देश में आज के आधुनिक युग में तकनीक व मशीनों का उपयोग करके घंटों का काम आसानी से पूरा कर रहे हैं। देश के किसानों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए राज्य व केंद्र सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती रहती है। इसी कड़ी में अब सरकार ने किसान पुष्कर स्कीम के माध्यम से आवेदन की गई 150 कृषि ड्रोन आवेदन को मंजूरी दे दी है और साथ ही कई किसानों को कृषि ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। कृषि ड्रोन के प्रयोग से किसानों का काम भी कई गुना आसान हो जाएगा। किसान कृषि ड्रोन का उपयोग करके फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव और फसल की निगरानी का काम भी कर सकते हैं। सरकार की ओर से भी कृषि ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। 31 मार्च 2023 तक सरकार का करीब 5000 ड्रोन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। कृषि ड्रोन लोन के लिए सरकार ने तय किया लक्ष्य। सरकार ने किसान पुष्कर स्कीम के जरिए यूनियन बैंक के 150 ड्रोन लोन आवेदन को मंजूरी दी गई है और साथ ही 2023 कृषि ड्रोन के लिए एक लक्ष्य भी तय किया है। सरकार 31 मार्च 2023 तक देश के किसान भाइयों तक 5000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कई प्रकार की तैयारियां भी की है, जिसमें से कृषि ड्रोन खरीदने पर सरकार की तरफ से किसानों के लिए लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि जिन किसानों को अभी तक तकनीकों से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें भी आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ा जाए और इसके लिए उन्हें सरकार से अनुदान व अन्य कई लाभ प्राप्त होंगे। कृषि ड्रोन के लिए किसानों को मिलेगा लोन व प्रशिक्षण। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मदद से अब देश के अलग अलग हिस्से में किसानों को कृषि ड्रोन की तकनीक से जोड़ने में आसानी होगी। वहीं गरुण एयरोस्पेस ने भी 1,00,000 युवाओं और किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देना चालू कर दिया है, जिससे युवा रोजगार के साथ साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती किसानी के कामों में श्रम और धन दोनों की बचत कर सकेंगे। ऐसी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं और खबरों के लिए ग्लोबल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें।